हमारे साथ है बंसीधर दीप, जो जेएनयू छात्र संघ में वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं बादशाह की तरफ से। बंसीधर, हमारा एक सवाल ये था कि ये जो चुनाव लड़े जा रहे हैं जेएनयू में छात्र संघ की, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इतने सारे दलित बहुजन आदिवासी कैंडिडेट्स एक दलित बहुजन कलेक्टिव की ओर से लड़ रहे हैं, बट ऑल्सो कि ये जो लड़ाई जो है, ये जो मूवमेंट है, ये एक एंटी कास्ट जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ मूवमेंट, एक नेशन वाइड मूवमेंट छिड़ गया है। और ये नेशन वाइड मूवमेंट रोहित रमला की हत्या के बाद, फिर ऊना में जो मूवमेंट चला उसके बाद, और देश में काफ़ी जगहों पे दलित बहुजन लोगों पे अत्याचार हुआ। तो हम ये बस जानना चाहते थे कि आप बापसा में ये जो आपकी ये जो एक कैंपस के अंदर लड़ाई है और एक जो एक बड़ी एक एंटी कास्ट लड़ाई है, ये आप कैसे देखते हैं? देखो, अगर इस जो इलेक्शन की बात करते हैं और जो देश भर भी जो चल रहा है आउटसाइड भी, जो कैंपस के आउटसाइड भी और देखा जाए, तो इस कैंपस में जो आज का जो पॉलिटिक्स है बापसा का, ये बहुत ज़रूरी है और एक 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 रेजिस्टेंस के रूप में आया उभरा हुआ है ये जो है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जैसे ऊना में हुआ, और ऊना में जिस तरीके से जब ऑपरेशन का लेवल बढ़ जाता है, तब दलित आदिवासी मुस्लिम्स और तमाम सारे जो पिछड़ी साड़ी के लोग भी आके एक प्रकार के एक रेजिस्टेंस आता है, एक मूवमेंट उभर कर आता है। और इसी प्रकार से इस कैंपस में भी जब लेफ्ट और राइट विंग्स पॉलिटिक्स रहते हुए भी, इस कैंपस का तमाम सारा जो अप्रेस कम्युनिटी का जो हम नारा दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि जब अप्रेस कम्युनिटी का जितना भी लोग हैं इस कैंपस में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन ड्रॉपआउट के रूप में हो सकता है, वो डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन फुलफिल नहीं करने का हो सकता है, वो डिस्क्रिमिनेशन जिस प्रकार का जो स्टेटमेंट भी दिया जाता है, घेटोवाइज प्लेस बनाया जाता है कैंपस में, उस तरह की से इस कैंपस में, इसीलिए बापसा का पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है। और जब हम बोलते हैं कि ऑपरेस्ट यूनिटी की जो बात भी यहाँ कर रहे हैं, उसमें हम बोल रहे हैं कि दलित आदिवासी वीमेन पिछड़ा सेक्सुअल माइनॉरिटीज और जितना भी तमाम सारा जो अप्रेस्ड नेशनलिस्ट है, सो इस तमाम सारा जो कैंपस के जो मुद्दा है, इस कैंपस में जो लेफ्ट और राइट बोथ इस इश्यूज को उठाने के लिए फेलवर हुए हैं। क्योंकि इसीलिए आज अगर देखा जाए तो इस कैंपस में, जैसे कि आप देख सकते हो, रिजर्वेशन जो फुलफिल हुआ नहीं, वो प्रोफेसर लेवल से लेके स्टूडेंट लेवल से लेकर इवन स्टाफ लेवल तक वो रिजर्वेशन फुलफिल हुआ नहीं। और दूसरा चीज़ आप देख सकते हो कि इसमें स्टूडेंट का तो मुद्दा है ही है इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम। और अगर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ की बात भी हम रेज कर रहे हैं और हम बोले हैं, क्योंकि अब देखोगे तो जो राइटिंग्स जो अंडरस्टैंडिंग है को, वो लोग एक 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 जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन बोलते हैं कि LGBTQ का जो है, तो उसको रिकॉग्नाइज आज तक भी नहीं दिया गया है, क्योंकि एक ब्राह्मणिकल जो नोशन है वो पेट्रियर्कल नोशन इन लोग में आता है। इवन लेफ्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है जी, आप देखते हैं कि इवन जेंडर जस्टिस के भी सवाल को भी अगर देखते हैं, लेफ्ट का जो प्रोग्रेसिव माना जाता है, आप आउटसाइड कैंपस में देख लीजिए कि किस तरह से जब नंदीग्राम और सिंगूर के जैसे मतलब घटना ये लोग करते हैं और ये लोग का जो पैरेंट पार्टी करते हैं, तो इस सब इस लार्जर कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बापसा का पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सवाल है ये लोग कभी रेज नहीं किए हैं इस कैंपस में। और हमको लगता है कि जैसे कि आप रिसेंटली देख लीजिए, जो रिसियल डुजियर बोल के एक रिकमेंडेशन आता है, इस जेएनयू के ही कुछ प्रोफेसर बनाते हैं, और उसमें कहा जाता है कि दलित मुस्लिम आदिवासी वीमेन और जो नॉर्थ ईस्टर्न है उन लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं। तो इस तरह का जो है, तो इसमें हमको लगता है कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के जो बात हैं, ये लोग कभी उठाए नहीं हैं। जस्ट ये लोग जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में एक मैनिफेस्टो में डाल देते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद कभी भी इस चीज इस इशू को, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो डिप्राइवेशन पॉइंट ऑफ पॉइंट मन का बात हो, या पिछले बार जो बापसा लड़ाई किया कि जो जेंडर मधुधर, आपने अपने मैनिफेस्टो में और हमने जिन जिन बापसा के लोगों से बात की, ये जो एक थीम था यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये थीम काफ़ी बार मैनिफेस्टो में भी दिखा है मुझे, काफ़ी बार लोगों ने बोला भी है। तो हमको बस ये थोड़ा सा ये समझना था कि जब आप ऑप्रेस्ड, और इस मैनिफेस्टो में आपने लिखा भी, जब आप ऑप्रेस्ड की बात कर रहे हो, आप सिर्फ दलित बहुजन की बात नहीं कर रहे हो, आप आदिवासी की बात कर रहे हो, औरतों की बात कर रहे हो, LGBT की बात कर रहे हो, मुसलमानों की बात कर रहे हो, तो हमको बस ये थोड़ा सा जानना था कि ये जो यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये व्हाट, हाउ डज बापसा लुक सी दिस, और
स्पेशली जेंडर के सवाल पे, क्योंकि जेंडर के सवाल पे लेफ्ट में से उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है कि जेंडर जस्टिस और जेंडर के सवाल पे, तो ये इस पे आप अगर थोड़ा सा हमको बता सकते। देखो हमको लगता है कि जब हम ऑपरेस यूनिटी की बात इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कोई भी समाज में अगर कुछ बदलाव लाना है तो वो तमाम सारे जो ऑपरेस्ट कम्युनिटी है वो एक कथा आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो समाज में परिवर्तन लाना डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे कि इंडियन सोसाइटी में अगर देखोगे तो ना, दलित तो ऑपरेस्ट है ही, लेकिन दलित के साथ साथ देखोगे तो वुमेन भी ऑपरेस्ट है। दलित के साथ साथ देखोगे तो तमाम सारा, जैसे कि पिछड़े से लेके आदिवासी से लेके और जो सेक्सुअल माइनॉरिटी से लेके नेशनल जो ऑपरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, ये तमाम सारे लोग भी ऑपरेस्ट हैं। और ये सेम जो एनेमी है जो ग्रामीणिज्म का या जो कास्ट जातिवाद का, ये सेम उन लोग का एनेमी एक ही है। और अगर उसको फाइट करना है, इवन देर इज मैंने उन लोग के बीच में डिफरेंसेस कुछ है, लेकिन अगर हमको और डिफरेंसेस कुछ है लेकिन उसी ब्राह्मणिज्म को अगर आपको फाइट करना है और ये जो कॉमन प्रॉब्लम है एक सारे का, उसको अगर फाइट करना है तो किसी भी समाज में अगर रिवोल्यूशन लाना है या सोसाइटी में ट्रांसफर लाना है तो ऑपरेस्ट कम्युनिटी का ये एक यूनिटी बहुत ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो जो जेंडर का इशू है, मैं एक अम्बेडकराइट होने के नाते, मैं फुले अम्बेडकराइट और जो मूवमेंट से प्रोडक्ट होकर मैंने इस कैंपस में आया हुआ हूँ, मैं कलाहांडी से आया हुआ हूँ, ओडिशा कलाहांडी, और हमको पता है कि किस प्रकार से सोसाइटी में प्रक्रिया की काम करता है। तो हमको लगता है कि इस सोसाइटी में जस्ट एक जेंडर का सवाल एक कास्ट को ले छोड़ के तुम नहीं कर सकते, जो कि इंडियन फेमिनिस्ट जो कर रहे हैं। तो और हमको लगता है कि अगर जेंडर का सवाल को अगर सही तरीके से अगर सॉल्व करना है तो कास्ट और जेंडर को एक साथ लेना होगा। अगर तुम ब्राह्मणिकल हो तो तुम पैट्रियार्कल भी होगे, अगर तुम कास्टिस्ट हो तो तुम पैट्रियार्कल भी होगे। तो उसीलिए ये दोनों चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। उसीलिए जैसे कि वुमेन भी होमोजेनियस ये नहीं है, जो वुमेन का जो ये या जेंडर का जो सवाल भी होमोजेनियस ये एक कैटेगरी नहीं है, वो तमाम सारा चीज़ इसमें भी कास्ट देखने के लिए मिलता है। और ये कास्ट जैसे कि कास्ट एक ऐसा चीज़ की बस दलितों के ऊपर भी काम नहीं करता, तमाम सारा जो है ऑपरेस्ट कम्युनिटी के ऊपर भी, जैसे कि मुस्लिमों के भी कास्ट है डिस्क्रिमिनेशन, सिखों में भी डिस्क्रिमिनेशन है, और तमाम सारा जितना भी लोग है, इवन ट्रांसजेंडर में भी है कास्ट, या जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज पे कास्ट इनो प्रैक्टिस किया जाता है। तो इस रूप में हमको लगता है कि ये सारे चीज़ को इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ऑपरेस्ट यूनिटी का बहुत ज़रूरी है। और हम वही कॉन्टेक्ट उसी चीज़ को लेके लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लेके इस कैंपस में भी हम उसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं, क्योंकि इस कैंपस में देखोगे तो ये ऑपरेस्ट जो भी हम जिसको हम ऑपरेस्ट कम्युनिटी के नाम पर हम बोल रहे हैं अभी, ये लोग इस कैंपस में वो विक्टिमाइज हैं। और इस कैंपस में नहीं, ये अदर आउटसाइड कैंपस में भी, अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी देखने के लिए मिलता है। और हमको लगता है इसीलिए हमने बाप्सा क्रिएट किया, एंड आई एम दी वन ऑफ दी फाउंडर मेम्बर ऑफ बाप्सा। और जब रियलाइज़ किया गया कि उस समय कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और ये जो प्रेस तमाम कम्युनिटी का कोई इश्यूज ये लोग रेज नहीं कर रहे थे, जस्ट ये लोग के यूज करके पॉलिटिक्स कर रहे थे, इसीलिए हमको लगा कि कुछ स्टूडेंट को जब जो बहुत सारा प्रोसेस था, वहीं पहले भी अम्बेडकराइट फोर्सेस था, जैसे कि UDSF था, AIPSF था, ये तमाम फोर्सेस के बावजूद बाद में रियलाइज हुआ कि एक बापसा एक होना चाहिए। और वो बापसा का जो टाइटल भी इससे जो थीम है बापसा, जैसे कि बिरसा अम्बेडकर पुल स्टूडेंट एसोसिएशन, एक बहुजन आइडियोलॉजी का नॉट ओनली एक दलित, ऐसे कुछ एक लार्जर यूनिटी का सवाल करने के लिए हमको मजबूत करना पड़ा। थैंक यू, जय भीम।